अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल वर्ल्ड कुजीन। आज मैं बताऊंगी आपने चिकन डम्पलिंग्स यानी मोमो कैसे बनाने हैं। मैदा लेना है 1 कप, कुकिंग ऑयल लेना है 2 टेबल स्पून, सॉल्ट लेना है आपने 1/2 टीस्पून। चलिए अब इंग्रेडिएंट्स की तरफ आते हैं। स्टफिंग की ग्रीन चिलीज़ लेनी है, लहसुन लेना है, हरी प्याज लेनी है, नमक लेंगे हसबे जायका, सोया सॉस 1 टेबल स्पून, काली मिर्च ऑयल और मिंस लेंगे चिकन का। चलें अब चलते हैं डो की तरफ। डो किस तरह बनानी है हमने, मैदा डालेंगे मिक्सिंग बाउल में, ऑयल एंड सॉल्ट डाल देंगे, अच्छे से इसको मिक्स करें। फिर आधा कप पानी ले लें, हल्के हल्के पानी इसमें हल्का हल्का डालते रहें और डो को मिक्स करते रहें। ज़्यादा पानी ना इस्तेमाल करें, हल्का हल्का पानी डालें क्योंकि हमारे पास जो मिक्सचर है वो कम है। हल्का हल्का स्लो स्लो पानी डालें, अच्छे से इसको गूंदें। डो को अच्छे से गूंद लें जब तक ये सॉफ्ट ना हो जाए। अगर आपको फील हो रहा है कि चिपक रहा है तो उसमें कुछ ड्रॉप्स ऑयल के डाल दें। ये देखिए अच्छे से गूंद गया है। अब लास्ट में थोड़ा सा और ऑयल डाल दें इसके ऊपर और इसको अच्छे से दोबारा से गूंदें। ये फाइनल स्टेप है इसका। ये देखें कितनी अच्छे से सॉफ्ट डो हो गई है, इसको चेक करें। ये देखें इसका टेक्सचर इतना स्मूथ होना चाहिए। डो आपका रेडी है, 10 मिनट के लिए इसको कवर करके रखते हैं। अब हम आते हैं फिलिंग की तरफ। चिकन में सारे इंग्रेडिएंट्स डाल देंगे हम, ऑयल भी थोड़ा शामिल करें, सोया सॉस डाल रहे हैं इसलिए नमक थोड़ा कम रखें क्योंकि सोया सॉस में नमक होता है। अच्छे से इसको मिक्स कर लें। अब हमारी स्टफिंग रेडी है, अब चलते हैं डो की तरफ। डो हमारा बिल्कुल सेट हो गया है, उसको इस तरह से कर लें, पतला सा बिल्कुल लेयर उसकी बना दें। इसके हमने बॉल्स बनाने हैं, छोटे छोटे से इसके बॉल्स बनाएं, सारे इक्वल शेप के। अब एक बॉल उसका लेकर उसका पेड़ा बना लेंगे, उसको हम बेल लेंगे रोटी की शेप में। जब तक बेलेंगे जब तक ये ट्रांसपेरेंट ना हो जाए, ट्रांसपेरेंट होगा तो अच्छे से मोमो बनेगा। अगर आपको ज़रूरत फील हो रही तो इसमें ड्राई फ्लोर लगा लें, जो मैदा है रखा साइड पर उसको आप इस पर छिड़क दें। इतनी थिन लेयर होनी चाहिए। अब इसमें स्टफिंग मिक्सचर ऐड कर दें, इसके सेंटर में हम मिक्सचर रखेंगे, साइडों में हल्का सा पानी लगाएंगे। इसके मैं 3 प्रोसेस आपको बताऊंगी कि किस तरह शेप्स बनाने हैं। इसको इस तरह से टर्न कर लें और इसके जो एजेस हैं उस पर हल्का सा पानी लगाकर आप उसे फोल्ड कर लें। ये मोमो का एक शेप रेडी हो गया है। अब मैं 2nd प्रोसेस आपको बताती हूँ। दूसरा पेड़ा आप लें, इसी तरह से इसको बेलें, ट्रांसपेरेंट हो जाना चाहिए।
इसकी भी सेंटर में मिक्सचर रखें, इसके कॉर्नर्स पर पानी लगाएं हल्का। अब इसको हम इस तरह से फोल्ड करते जाएंगे, हाफ पे प्लेट्स डालेंगे इसके, हाफ पे फोल्डिंग करके अब जो हिस्सा रह जाएगा उसे हम सील कर देंगे। ये देखें, ये एक शेप, ये सेकंड शेप आपका रेडी हो गया। अब थर्ड शेप की तरफ चलते हैं। थर्ड प्रोसेस में हम सेम स्टेप करेंगे, इसका जो शेप है वो चेंज हो जाएगा। इस तरह प्लेट्स डालेंगे, प्लेट्स हम पूरे में डालेंगे, एक जैसे पोटली बनती है उस स्टाइल में बनाएंगे। देखें, इस तरह सारी प्लेट्स डाली हमने और ऊपर से जो उसका एज है उसको क्लोज कर दिया। इस तरह एक पोटली शेप बन गई। ये थर्ड मोमो प्रोसेस हो गया। अब एक पैन में पानी गर्म कर लें, हल्के उसका स्टीम बन जाए तो जो आपकी ट्रे है स्टीमर की, चाहे तो स्टीमर यूज़ कर लें, चाहे तो ऐसे स्टीमर ट्रे यूज़ कर लें, उसको ऑयल से ग्रीस कर लें और गैप के साथ साथ मोमो को उस पर रखें। ऑयल लगाने से ये होगा कि आपके मोमोज चिपकेंगे नहीं। इस तरह फासले से मोमो रखें। अब इसको कवर करके 12 से 15 मिनट तक आपने इसको स्टीम देना है। मोमो स्टीम हो रहे हैं, हम चलते हैं चटनी की तरफ। चटनी बनाने के लिए दो टोमेटोज ले लेंगे, उसको हम इस तरह से चॉप कर लेंगे। टोमेटोज आप चाहें तो कुकर में उबाल लें एक सीटी पर, या चाहें आप तो 2 मिनट के लिए इसको माइक्रोवेव में रख दें ताकि ये सॉफ्ट भी हो जाए और इसका जो छिलका है वो आसानी से निकल सके। अब इसके जो छिलके हैं उसको अलग कर लें। इस तरह से हम इसको हटाते जाएंगे, थोड़ा सा इसको कूल होने दें। उसके बाद इसको हम मिक्सचर में डालेंगे, नमक डालें हंस पे ज़रूरत के साथ साथ। 2 हरी मिर्च लेंगे, लहसुन लेंगे 4 से 5 टुकड़े और लाल मिर्च डालें आप थोड़ा सा पाउडर, उसको पेस्ट बना लें। अब इसमें हम लेंगे विनेगर 1/2 टीस्पून लेंगे और सोया सॉस भी 1/2 टीस्पून। अच्छे से इसको मिक्स कर लें। अब हमारी चटनी हो गई है रेडी। ये देखें, चटनी हमारी रेडी है बिल्कुल। अब हम मोमो की तरफ आते हैं। 15 मिनट के बाद मोमोज कुछ इस तरह से नज़र आएंगे। जब इसका कलर ट्रांसपेरेंट हो जाए इसका मतलब है कि मोमो तैयार है हमारे। ये देखें, इसकी शक्ल जो है वो ट्रांसपेरेंट हो गई है। अब इसको आहिस्ता से एहतियात से निकाल लें क्योंकि ट्रे बहुत ज़्यादा गर्म होती है। इसको डिश आउट करें। मोमोज को गरम सर्व किया जाता है, गरम गरम मोमोज सर्व करें चटनी के साथ, बहुत मज़े की रेसिपी है। इस रेसिपी से ज़रूर ट्राई करें। जो वेजिटेरियन है उनके लिए मैं ज़रूर वेज मोमोज ज़रूर सिखाऊंगी नेक्स्ट रेसिपी में इंशाल्लाह। आप अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, दुआ में ज़रूर याद रखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लाइक करें, इसको शेयर करें जितना हो सकता है। अगर आपको मेरी वीडियोज़ पसंद आती हैं तो इसको शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।